फर्स्ट वर्ड है अपालिंग। अपालिंग का मतलब है खौफज़दा होना या हैरान होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एडजेक्टिव है और इंग्लिश में इसका डेफिनेशन होगा काजिंग शॉक और डिसमे। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रही है, ये कोई कार्टून जैसे दिखाया गया है। सिनोनिम्स अगर देखें तो आफुल, टेरिबल, ड्रेडफुल, इनएक्सक्यूसेबल, एबिसमल, शॉकिंग, शॉकिंग हैरान होना है, डिसगस्टिंग, आउट्रेजियस, डिसमे, अस्टॉन्डिड, ये भी मतलब हैरान होना या गुस्से में आना के मेनू में आता है। अगर हम एंटोनिम देखें इसका तो डिलाइटफुल, प्लीजिंग, ब्रिलियंट, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, फैंटास्टिक या मार्वेलस वगैरह है। सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करें तो एन अपालिंग नंबर ऑफ वुमेन डाइट फ्रॉम प्यूरपेरल फीवर, तो सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल होगा। तो चले फिर दूसरे वर्ड पे चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है अस्टॉन्डिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव, इसका माने होगा हैरतज़दा। इंग्लिश में अगर देखें तो फीलिंग और शोविंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर। तस्वीर में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, काफ़ी हैरत का इजहार कर रहा है। सिनोनिम्स अगर देखें तो अस्टॉनिश्ड या हैरान होना, सरप्राइज, अमेज्ड, स्टंट, डेज, कंफ्यूज, सारे हैरान होने के मेन्यू में आता है। फ्लेवर गैस्टेड, ये भी वेरी सरप्राइज के मेन्यू में आएगा। स्पीचलेस, थंडरस्ट्रक, अगस्ट, हॉरिफाइड, वर्डलेस, डमफाउंडेड, स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब लड़खड़ा जाना है, क्योंकि जब बहुत ही हैरान हो जाते तो लड़खा खड़ा जाते पाऊँ, जस्ट लाइक दैट। तो अपालिंग यानी ये वर्ड नंबर वन दोबारा इसके सिनोनिम में आ रहा है, जैसा कि अस्टॉन्डिड ऊपर आ रहा था। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर हम एंटोनिम देखें तो अलर्ट, वॉचफुल, प्रिपेयर्ड, अवेयर, विजिलेंट, ऑब्जर्वेंट, रेडी। सेंटेंस में अगर देखें तो मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड एट द मेयर अस्टॉन्डिड, हैरत से उसने देखा मेयर को। थर्ड वर्ड अगर हम देखें तो अपेरेंटली। अपेरेंटली का उर्दू में माने होगा बज़ाहिर या ज़ाहिरी तौर पर। पार्ट स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। टू डिस्क्राइब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू बेस्ड ऑन व्हाट इज़ नॉन। इस तस्वीर में कितने लोग हैं, ये मतलब कितने लोग आपको बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, तस्वीर के हिसाब से बोल रहे हैं। सिनोनिम्स अगर देखें तो सीमिंगली, स्पेशियसली, ऑस्टेंसिवली, आउटवर्डली, आउटवर्ड मतलब बाहर बैरूनी तौर पर, सुपरफिशियली, एविडेंटली, ऑब्वियसली। एंटोनिम्स अगर देखें तो एक्चुअली, रियली, ट्रूली, एसेंशियली, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट। सेंटेंस में अगर देखें तो वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट, तो वगैरह वगैरह आगे इसमें आप लोग पढ़ लीजिए। अटैच टू, अवर वर्ड नंबर फोर है अटैच टू, तो इसका मतलब है जुड़ा हुआ। ये फिजिकली भी हो सकता है या इमोशनली भी हो सकता है। कनेक्टेड और जॉइंट टू समथिंग। अगर हम सिनोनिम्स देखें तो एस्क्राइब्ड, ये मैथमेटिकल टर्म है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना एस्क्राइब्ड कहा जाता है। असाइंड, किसी चीज़ को मुख्तस किया हुआ। कन्फर्ड, अवार्डिड, अकॉर्डिड, किसी से मंसूब करना, बेस्टोड, अता करना। या फासेंट, जॉइंट, कनेक्टेड, फिक्स्ड, एडिड, अपेंडिड, ग्लूड, स्क्रूड, नेल्ड, क्लिप्ड, ये सब मतलब जुड़ा हुआ, चिपकाना या किसी स्क्रू से इसको फिक्स करना वगैरह वगैरह इसमें आता है। तो एंटोनिम्स अगर देखें तो डिटैच्ड, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, अपार्ट, रिमूव्ड, सेपरेटेड, आइसोलेटेड, अलूफ, इंडिफरेंट, डिस्टेंट, बहुत दूर, यानी डिस इंगेज्ड, काफ़ी फासले पर, अनफाजेंट। तो हमारा वर्ड नंबर फाइव है अलास। पार्ट स्पीच के हिसाब से ये इंटरजेक्शन होगा या एक्सक्लेमेशन होगा। यूज टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, पिटी और कंसर्न। इसके उर्दू में होगा अफसोस का इजहार करना।
सिनोनिम अगर देखें तो अनफॉर्चुनेटली, सैडली, रिग्रेटेबली, अनहैप्पीली, अनलकीली, मोस्ट पिटी। अगर हम एंटोनिम्स देखें तो लकीली, अपॉर्चुनली, फेवरेबली, क्लियरली, कंटेंटेडली, चीयरफुली, जॉयफुली, ग्लीफुली, ब्लिसफुली एंड मैरिली। सेंटेंस में देखें तो अलास हिज लिटिल कैन व्हिच वाज परहैप्स लॉस्ट एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अफसोस का इजहार कर रहे हैं, कोई चीज़ गुम गई है उसकी, मतलब कोई स्टिक गुम गई है। नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब है अचानक, तेज़ी से कोई चीज़ वाक़ होना, या इन सडन और अनएक्सपेक्टेड वे। अगर हम सिनोनिम्स देखें तो ब्रिस्कली, शॉर्टली, टर्सली, स्नैपिशली, रूडली, शार्पली, ग्रूफली, कर्टली, सडनली, रैपिडली, हैस्टीली, क्विकली, हरीडली। एंटोनिम्स देखें तो पोलाइटली, ग्रेशियसली, सिविली, कॉर्टियसली, रेस्पेक्टफुली। सेंटेंस में देखें शी टर्न अब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड एंड टुक द पैकेजेस फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। नेक्स्ट वर्ड एंजाइटीज, उर्दू में होगा परेशानी, अप्रिहेंसिव, अनइजीनेस और नर्वसनेस, यूजुअली ओवर एंड एम्पेंडिंग और एंटिसिपेटेड इल। वोरीज अगर हम सिनोनिम देखें तो वोरीज, कंसर्न्स, अप्रिहेंशंस, डाउट्स, क्वाल्म्स, अनसर्टेनिटीज, सस्पिशंस, डिस्क्वाइट्स, एंगस्ट्स, फियर्स, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इन सब का मैंने परेशानी में आएगा। एंटोनिम्स देखें तो कामनेस, सेरेनिटी, क्वाइटनेस, स्टिलनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी, कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड देखें तो एट हमारा वर्ड है अप्रेस्ड। अप्रेस्ड का माने किसी चीज़ का तखमीना लगाना या हिसाब किताब करने के मानों में आता है। तो पास्ट स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। टू एवलुएट द वर्थ, सिग्निफिकेंस और स्टेटस ऑफ, टू सेट अ वैल्यू ऑन, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ। अगर सिनोनिम्स देखें तो असेस्ड, इवॉल्वेट, जज्ड, रिव्यूड, कंसीडर्ड, वैल्यूड, वे अप, मेजर्ड, गाज्ड। गाज्ड भी मतलब मेजर करने के मैन्यू में आता है। एंटोनिम्स देखें तो अबंडेंट, इग्नोर्ड, डेरेलिक्ट, डिसयूज्ड, डिसरिगार्डेड, फॉरगॉट, अवॉइडेड, पास ओवर एट्सेट्रा। वर्ड नंबर 9 एक्सेंचुएटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसका मानी कुछ चीज़ वाजिह करना या किसी चीज़ की ताकीद करना, जोर देना के मानों में आता है। सिनोनिम्स देखें तो एम्फेसाइज्ड, अंडरस्कोर्ड, स्ट्रेस्ड आउट, हाइलाइटेड, स्ट्रेस्ड, हाइटेंडेड, फिर हाइलाइटेड के मानों में आता है। ड्रा अटेंशन टू, ब्रिंग आउट। एंटोनिम्स देखें तो लूजेंट, स्लैकेंट, ईज्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वर्ड नंबर 10 बून, यानी ये कोई करम या नियामत के मानों में आता है। आई थिंक दैट इज़ हेल्पफुल और बेनिफिशियल और ए फेवर और रिक्वेस्ट। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है साइंस अकर्स और बून, साइंस या नियामत या लानत है। तो सिनोनिम्स अगर देखें तो बेनिफिट, एडवांटेज, बोनस, हेल्प, गॉडसेंड, विंडफॉल, गेन, ब्लेसिंग। अगर एंटोनिम देखें तो डिसएडवांटेज, डिफिकल्टी, कर्स, ट्रैफिक, शॉर्टकमिंग, वीकनेस एट्सेट्रा। वर्ड नंबर 11 हमारा है बिविल्डरमेंट, ये भी हैरानी के मानों में आता है, हैरानी या परेशानी के मानों में आता है। द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट, परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड। सिनोनिम्स देखें तो कंफ्यूजन, इनकम्प्रिहेंशन या मतलब समझ में ना आना, बेफलमेंट, ये भी समझ में ना आने के मानों में आता है। पजलमेंट, परेशानी, परप्लेक्सिटी, फिर परेशानी।
पैनिक, खौफ, डिसोरिएंटेशन, ये भी मतलब खो जाने के मानूम आते हैं, लॉस्ट होना। इंडियन में देखे तो ऑर्डर, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, काम, हार्मोनी, पीस, ट्रैंक्विलिटी, लवफुलनेस। वर्ड नंबर 12 हमारा है ब्रिस्कली, एडवर्ब है, उर्दू में मानी तेज़ी से होता है, तेज़ी से। इन एन एक्टिव, क्विक और एनर्जेटिक वे, एनर्जेटिकली, अगर हम सिनोनिम देखें तो एनर्जेटिकली, क्विकली, रैपिडली, फास्ट, स्मार्टली, हरिडली, विगोरसली, एफिशिएंटली, एट्सेट्रा। तो इसके एंटोनिम स्लोली, लीजरली, अनहरिडली, एट्सेट्रा वगैरह आएगा। वर्ड नंबर 13 हमारा है बीट, अ स्मॉल पीस ऑफ ग्लास, स्टोन और सिमिलर मटेरियल दैट इज थ्रेडेड विथ अदर्स टू मेक अ नेकलेस और रोजरी और सेवन टू द ऑन टू द फैब्रिक। यानी किसी चीज़ को डेकोरेट करने के मानू में आएगा बीट का। बाजार तो खुद अगर हम माने देखें तो मोती होगा इसका। सिनोनिम्स देखें तो ड्रॉप, ड्रॉपलेट, ड्रिप, ब्लॉप, ग्लोब्यूल, ब्यूटीफाई, अडोन, ऑर्नामेंट, सजावटी चीज़ों को कहते हैं, एम्बेलिश, डेकोरेट करना, गार्निश, भी डेकोरेट करना, डेक, गार्डन, गार्डन फूलों से डेकोरेट करने के को कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रिमिंग। ब्रिमिंग मतलब भरा हुआ या लबालब भरा हुआ, ऊपर किनारे तक भरा हुआ। गिलास में पानी होता है तो बहुत मतलब गिरने वाला हो जैसे भर के। टू बी और बिकम फुल ऑफन टू ओवरफ्लाइंग, ओवरफ्लोइंग। सिनोनिम्स देखे तो फुल, ओवरफ्लोइंग, पैक्ड, फिल्ड, क्रैम्ड, ब्रस्टिंग, टीमिंग, अबाउंडिंग, ओवरफ्लोइंग, थ्रोंगिंग, ब्रिस्टलिंग। और एंटोनिम देखे तो एम्प्टी, बेयर, ब्लैंक, वैकेंट, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैफलिंग। ये उसी बिवल्डरमेंट वाले वर्ड से मुतल्लुक है, उससे मिलता जुलता है। उर्दू में देखे तो समझने में मुश्किल होना, एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स देखे तो मिस्ट्रियस, अनसॉल्व, इनएक्सप्लिकेबल, इन पेनेट्रेबल, आर्कियन, सेक्रेट, परप्लेक्सिंग, मिस्टिफाइंग, बिवल्डरिंग, एट्सेट्रा। तो एंटोनिम देखे तो अपेरेंट, क्लियर, ओबियस, अनब्लेमिश्ड, परफेक्ट, प्योर, या मतलब समझने में आसान हो। नेक्स्ट वर्ड पे अगर जाए तो बैशफुल। बैशफुल शर्मीले को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। रिलक्टेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ। पर अगर हम सिनोनिम्स देखें तो शाई, टिमिड, रिजर्व, रिटायरिंग, विदड्रॉन, मॉडेस्ट, रेटिसेंट, ये सारे शर्माने के मेनू में आता है। ब्लशिंग शर्माना, डिफिडेंट कम कॉन्फिडेंट होना, टिमरस ये नर्वस होने को कहते हैं, और ये सारे मतलब शर्माने के मेनू में आता है। जबकि एंटोनिम देखें तो बोल्ड, फॉरवर्ड, कॉन्फिडेंट, ब्रैश, सेल्फ अश्योर्ड, एट्सेट्रा। अगर नेक्स्ट वर्ड पे जाएँ तो बेकंट, या ये इशारे से किसी चीज़ को बुलाने को कहते हैं। टू समन और सिग्नल टिपिकली विद अ वेव और नोट, इशारे से बुलाना। अगर इन अगर सिनोनिम देखें तो सिग्नल्ड, साइंड, समंड, समंड बुलाना का मतलब किसी को ऐलान करके बुलाना। गेस्टर्ड, जेस्टर्ड यानी इशारे से बुलाना। इंडिकेटेड मोशन, एट्सेट्रा। अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो कवेटेड। कवेटेड किसी चीज़ की ख्वाहिश करने को कहते हैं, यानी कोई मतलब बहुत ही इंटेंस ख्वाहिश हो किसी चीज़ के लिए तो उसे कहते हैं कवेटेड। अर्नेस्टली विश्ड और फॉर और सॉट आफ्टर। सिनोनिम देखे तो वांटेड, फैशनेबल, डिज़ायर्ड, पॉपुलर, लॉन्ग्ड फॉर, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, और नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंशियल। इसको उर्दू में कहेंगे सनत या डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिमोनल्स और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, एट्सेट्रा। तो अगर हम सिनोनिम देखें तो आइडेंटिफिकेशंस, अथॉराइजेशंस, परमिट्स, पासेस, बैजेस, क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमास, रिकमेंडेशंस, टेस्टिमोनल्स, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, एट्सेट्रा। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो वर्ड नंबर 20 हमारा है कैपेशियस। कैपेशियस मतलब कोई स्पेशियस को कहते हैं, मतलब जो जगह ज़्यादा हो, वाइड चीज़ हो, कुशादा, हैविंग अ लॉट्स ऑफ स्पेस इनसाइड। तो अगर हम सिनोनिम देखें तो रूमी, स्पेशियस, लार्ज, एम्पल, बिग, वॉल्यूमिनस, कोमोडियस, एक्सटेंसिव, वास्ट, साइजेबल, ह्यूज, एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वर्ड 20 किप्स वोकेबलरी के। इंशाल्लाह बाकी वोकेबलरी के भी मैं बनाऊंगा बहुत जल्द से जल्द, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, या कोई फीडबैक देना हो तो नीचे कमेंट्स में फीडबैक आप दे सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।